नगरोटा सूर्या के अंतर्गत आने वाले भटेहड़ पंचायत के लालपुर गांव में दो परिवार जो गुज्जर जाति से संबंध रखते हैं और मुस्लिम हैं, जो प्रवासी हैं, जिनमें से एक परिवार मच्छरदानी, जिनके घर में 7 सदस्य हैं, और कुछ दूरी पर दूसरा परिवार जिनके मुखिया का नाम रोशन दीन है, जिसके परिवार में 8 सदस्य हैं। इन दोनों प्रवासी परिवारों के मवेशियों की संख्या 90 से अधिक है, जिनमें 75 भैंसे, 8 गायें और 20 बकरियां हैं। इन परिवारों की माने तो हर रोज 1.5 क्विंटल दूध, जो पहले बाजार में बेचा जाता था, उसे पैसे लेकर अपने व पशुओं के लिए चारे का प्रबंध किया जाता था। लेकिन अब लॉकडाउन के चलते अब दूध नहीं बिक रहा है और ना ही गांववासी इससे दूध ले रहे हैं। मजबूरन ये दूध एक खड्ड में बहाना पड़ रहा है। इन परिवारों पर मुसीबत का पहाड़ इस कदर टूटा है कि ये परिवार खुद तो भूखा रह रहा है, साथ ही कई दिनों से भूखे प्यासे पशु भी मरने की कगार पर हैं। ये प्रवासी 32 मील के पास कल्लर जोना पंचायत के निवासी हैं, जो जिला कांगड़ा में यहाँ से महज 40 किलोमीटर दूर है। पिछले 15 सालों से यहाँ पर हर साल आकर ठहरते हैं। लॉकडाउन के चलते ये लोग इतने विवश हो चुके हैं कि इनकी विवशता आंसुओं में छलक रही है, क्योंकि 90 से ज्यादा की तादाद में पशु हैं जो अधिकतर दूध देने वाले हैं। इन परिवारों की माने तो इन पशुओं के चारे का कोई साधन नहीं है और मजबूरन इन लोगों को अब भूखे ही रहना पड़ रहा है, क्योंकि इन लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी जीने का एकमात्र साधन इन पशुओं का दूध था, जिसे बाजार में अब बेचने का प्रबंध नहीं हो रहा है। परेशानी क्या भाई, ये दूध दाध बेची गया सा इन्हें की चारा भी पाते थे, गाड़ा दाड़ा भी पाते थे, घा पट्ठा भी पाते थे, कने अपने क्या बच्चा क्या के रखा है इस टाइम? मेरे हाल जनाब कोई 55 में ही होनी है ना, कने 5 गाय होनी है ना, कने 15-16 बकरियां होनी है ना, कने इस वेले तो बड़े एक तंग ना सा, बड़े मुश्किल है, दूध साड़ा बिका दा नहीं है, कोई पाइया दूध नहीं बिका दा इस वेले। बच्चे जैसे पाले हुए हैं वो भी फाके मार रहे हैं, जंगल की हमारे को रुकावट है, और आपका क्या नाम है वैसे? गांव में भी जाने की रुकावट है। नाम मेरा रोशन दीन जी। कितने परिवार के लोग हैं आपके? मेरा परिवार 8 आदमी है इस वेले। 9 आदमी 9 आदमी और हमारे सारिया भी चीजों की कमी है जनाब इस वेले, तो चाह पानी के अर्थे ही है हम, और पशु जो है वो फाके मार रहे हैं। हाँ जी, क्या परेशानी आ रही है आपको? नहीं, परेशानी तो यही है, दूध भी नहीं बिक रहा। मैं दूध लेके जाती थी मार्केट में, तो दूध भी नहीं बिक रहा इस दौरान में लॉकडाउन है, तो फिर कोई पैसा भी नहीं है पास, तो चल आप तो ऐसे ऐसे मांग चूंग के गुजारा कर लेते हैं, पर डंगर तो भूखे मार रहे हैं ना। कितने डंगरे हैं अभी आपके है? पास कोई 30-35 डंगरे भैंस। तो कितना दूध था जो बेकार करना पड़ रहा है? था कोई 70-80 किलो दूध। इस टाइम कोई भी पैसा नहीं, ऐसे कोई पैसों को पिला देते हैं, कोई ऐसे डोल देते हैं, क्या करना। कोई गांव वाला भी दूध नहीं ले रहा, मार्केट वो बंद है। क्या गांव वाले क्या बोल रहे हैं आपको, जब आप गांव में दूध देने जा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं कि ये मुसलमानों से दूध नहीं लेंगे, पनीर भी नहीं लेंगे, दूध भी नहीं लेंगे। पता नहीं आपने बोला मुसलमानों से ही कोरोना की बीमारी है, तो इसलिए हम दूध नहीं लेंगे। तो आप क्या कहना चाहोगे सरकार से? मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि भाई हमारे लिए दे, कोई भैंसों को चारा भी नहीं है, कोई हमारे को खाने के लिए भी नहीं है कुछ भी, तो इतनी परेशानी कितनी ज़्यादा है, कहाँ जा भी नहीं सकते हैं। ठीक, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। सर, शाहपुर विधानसभा के अंतर्गत लंज तहसील में गुज्जर लगभग 100-150 पशुओं के साथ, अपने मवेशी के साथ फंसे हुए हैं, उनके लिए चारे की व्यवस्था नहीं है, इस संबंध में किस तरह की कार्रवाई की जाए? ये जो जानकारी आपके माध्यम से मेरे को प्राप्त हुई है, और हमारी एक एनुअल हेल्पलाइन भी है, और उस हेल्पलाइन के माध्यम से जो भी इनको आवश्यकता होगी वो प्रोवाइड किया जाएगा।